जल पी लिया, फिर आंखें तीसरी बार खुली तो न तो फल छुआ न पत्ते छुए, एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए धरो, अपनी श्वास को खींचा, ब्रह्मांड में जाकर रोक दिया। क्या हुआ? ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी, तिल लोकों की धरती हिल गई, आकाश हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। इंद्र कहने लगा, नारद ये क्या हो रहा है, मेरा इंद्रासन क्यों हिल रहा है? नारद बोले, अबे तो हिलिए रहो, अबे नीचे गिरे हो जाए। क्या? ध्रुव तपस्या कर रहा है, अप्सराओं को बुलाया, चली जाओ ध्रुव की तपस्या को भंग कर दो, और जहाँ भगवान को भजन हो तो परीक्षित महाराज माया पहले पहुंचते हैं, और जब माया से कोई बचो ना है महाराज, कोई नहीं। अरे जाई ठगिनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन ध्रुव की समाधि को नहीं खुलवा पाई। लौटे आई, शीर सागर का पानी खोल गया, लक्ष्मी के हाथ जल गए, शेषनाग अग्नि उगलने लगी है। भगवान विष्णु बोले, नारद ये क्या हो रहा है? नारद कहने लगे, नेक दे रो धरे रो जाई शेष सैया बावली, वो ध्रुव तपस्या कर रहा है, 5.5 वर्ष का बच्चा है। भगवान ने अपनी प्रिय सवारी गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पर सवार हुए, जब गरुड़ धीरे धीरे चले तो भगवान बोले, गरुड़ मेरे भाई धीरे मत चलो, गरुड़ मेरे भाई धीरे मत चलो, तपस्या कर रहे। भगवान पैर की खड़ाऊं से आवाज करने लगे, लाला ध्रुव आंखें खोलो। आंखें नहीं खोली क्यों? क्योंकि बाबा नारद ने भगवान का जो रूप बताया था, ध्रुव उसे हृदय में बसा करके उसके दर्शन कर रहे हैं, आंखें खोली नहीं। और ये परीक्षित महाराज हकीकत भी है, आप शाम को भगवान की मूर्ति के दर्शन करके सो जाओ तो सोते समय कभी आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, कभी डर नहीं लगेगा। और आपने देखी हुई है, बहुत सी माताएं होती है सोते ही सोते एकदम चौंक जाती है, सास कहते बहू का हुई अब कचू नहीं, अम्मा जाल लगा तो कोई करिया करिया ठाड़ो है, अब करिया करिया तो ठाड़ो ही है, संजा को गोविंदा की फोटो देखे परी करी करिया ठाड़ो मिले, अब कन्हैया की देख के पति तो कन्हैया आते रहते सपने याद रहे लोग। भगवान ने जैसे ही अपने प्रतिबिंब को ध्रुव के हृदय से खींचा तो ध्रुव हाय पिता कहकर के जमीन पर गिर गए। भगवान ने अपने भक्त को उठाया, गले से लगा लिया, बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की मूर्ति को ध्रुव देख रहे हैं,
भगवान बोले, लाला हम तुमसे बड़े खुश हैं, वरदान मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। बेटा नहीं मांग रहे हो, फिर भी मैं वो लोक तुम्हें दे रहा हूँ, जिस लोक को पाने के लिए देवता यक्ष किन्नर सभी तरसते हैं। जाओ जा करके अयोध्या पे राज करो, फिर हमारे धाम के लिए चले जाना। इंद्र से कहा, इंद्र एरा बताती लाओ, मेरा बेटा पैदल चल के आया था, लेकिन पैदल चल के घर जाएगा नहीं, क्योंकि आज ध्रुव इस मधुबन से जो पैदल चल कर जाता है, तो सोचेंगे सब दुनिया वाले, क्या ये भगवान भक्त का नाता है। बिगड़े भी बनते काम सभी, और जब कृपा प्रभु की होती है, दुश्मन बन जाते मित्र सभी, जब दया हरि की होती है। परसों से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं जब भगवान की कृपा होती है, और जो परसों से तुम्हारे दुश्मन है वो एक पल में मित्र बन जाते हैं जब भगवान की कृपा होती है। तब हाथी पर सवार होकर के ध्रुव चले। अयोध्या वालों ने सुना ध्रुव आ गए, तो गांव के बड़े बुजुर्ग चले ध्रुव को देखने के लिए। तो ध्रुव ने अपने बुजुर्गों को आता हुआ देखा, इंद्र से कहा, इंद्र हाथी को रोक दो, मेरे बुजुर्ग पैदल आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उनके साथ पैदल ही जाऊंगा। ध्रुव कूद गए हाथी से। समझो बंधु, 5.5 वर्ष के बच्चे के अंदर कितना बड़ा शिष्टाचार। आजकल के ध्रुव जहाँ चार बड़े बूढ़े इकट्ठे बैठे हों, तो वैसे तो मोटरसाइकिल धीरे ले आई, और जान ले जहाँ चार बड़े बूढ़े बैठे तो फटफटिया को एक्सीलेटर और खींच देते, दुकट्टा डराए जाए। आज कल के ध्रुव, पहले के पुत्र, पहले के राम, प्रात हो तो उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाभे माता। पहले के पुत्र सुबह उठने के बाद अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया करते थे, और आज के राम, प्रात हो तो उठ के रघुराई, और हाथ में बीड़ी दिया सराई। आज के राम सवेरे उठ के जब देखते हैं कि संजय को बीड़ी धर के पड़े, तो मुड़े से सो को उठाए ले गो। पहले के राम सौतेली माँ के कहने पर 14 साल के लिए वन में चले गई, 14 साल। और आज के राम अगर उनकी सगी अम्मा कह दे लौआ 14 महीना घरे मत आइए, तो सीधी कह टुकरिया तू पहले फूट ले चल, आधी खई लेकिन जो खरंजा छोड़ के ना जाएंगे। याद रहे श्रोता बंधु, अब शिष्टाचार नहीं रहा, और शिष्टाचार रहे कैसे, क्योंकि नौजवान भाइयों को बुजुर्गों के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं है। बड़े बूढ़े के पास ना बैठे, उनसे कहो ए चलो ना बाबा बैठे, उनके ढिगन बैठ ले, कहाँ बैठे यार, दुकट्टा मूड और खराब कर दिए, हाँ बोर कर दिए। हमारे पांडालम बड़े बूढ़े बैठे हैं, चाहे सांप खाए ले चाहे बीछो खाए ले, ऐसी ऐसी दवाई हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी खत्म कर देते हैं। इन्हें कोई टेंशन ना, चाहे इन्हें सांप खा ले चाहे बीछो खाए ले, बड़े बुजुर्ग हमारे ऐसी ऐसी दवाइयां जानते हैं कि जड़ी बूटियों से बीमारियां खत्म कर देते हैं। और कहो नए लड़का पूछो एक दवाई जानते हो, कैसे जाने, बड़े बूढ़े ने बैठ दू रहे भाई, कौन सा ही फुर्सत ना है हमें मालूम। उनके ढिगन बैठे हुए जाओ तो तुम खूब बैठे रहिए, उनकी फोन पे अगर ओगरिया चल रही है तो चलती रहे, तुम्हारी सुनिए ना, तुम्हारी ना ही सुनिए। याद रहे लोगों, अब शिष्टाचार नहीं रहा, अब तो पाई छुए में लड़कन को शर्म लगते, अब पाए छुए कैसे, अगर बिल्कुल लचके पाए छुए तो नीचे पेंट उतरे पड़े, अब पाए कोई छुए तो ही ना। अब कोई नौ लड़का भी मम्मी पापा के पैर छुए तब तुम देखो पाए ना छुएत है, हाथ लो परियन से लगाओ और छाती से लगाए लेते हो, कहा कहते हैं अगर जहाँ छाती में जो ताकत बनी रही तो एक दोनों परियां तुम्हारी टोरी हो, तो शिष्टाचार ही नहीं रहा।
नौ लड़का अगर घर से मोटरसाइकिल लेके परीक्षित जी निकले तो बूढ़े बाप ने अगर कह दी लो कहाँ जा रहे हो, कुआ में कितने जा रहे, चलियो निकलना पाएगा, तक कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, हमें कोई काम है ना। अब तो तुमने खोकट कर दी, अब तो वैसे काम नहीं बने। अब समझो जिन माता पिता ने पाल करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया खिलाया, अगर हमने पूछ दी लो कहाँ जा रहे हो तो हमने खोकट कर दी, और अगर पैदा होते ही कंजे दे दी थी तुम्हें तो तुम कहाँ तो घूमते फिर मोटरसाइकिल बताइयो ने। पुत्र के लिए सबसे बड़ी पूजा होती है परीक्षित महाराज माँ की पूजा। माँ से बढ़कर के पुत्र के लिए संसार में कोई देवी देवता है ही नहीं। लेकिन आज आप देखो अब तो शिष्टाचार ही नहीं रहा, अब तो कोई नौ लड़का बड़े बूढ़े से राम राम नहीं करते। बेचारे बड़े बूढ़े खुद राम राम अगर करने लगो राम राम तो फिर भी अपने बखा दे कर लगता हम कुछ लगन लगे हमसे राम राम कर। अब तो पहलवान हो गए, अब शिष्टाचार ही नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा। परीक्षित महाराज हमारे हिंदुस्तान में त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहार एक प्रेम के त्योहार होते हैं। जो बरसों से हमारी बुराइयां चल रही हैं वो त्योहार पर एक दूसरे के दरवाजे जा करके उसके गले मिल करके उन बुराइयों को दूर कर देते हैं। लेकिन अब देखो तुम त्योहार लड़का से बाप कह दिए लौआ साल भर बाहर रहो लेकिन होली पे जरूर आ जाइए क्योंकि गोली चलने की संभावना है।